चलो आगे चलते हैं। एक और बड़ा क्वेश्चन आता है, स्पेशली ये उन लोगों के लिए होता है जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे होते हैं, कि भाई क्योंकि अभी अपना नीट का जो पेपर है वो अभी भी अपना ऑफलाइन में होता है ना, तो भाई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, सबके अपने अपने जवाब में, तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई तुम में से किस किस ने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी या फिर किस तरह से फिर ऑफलाइन पेपर को प्रैक्टिस करा था। ओम, तुमसे ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 साल थे, मतलब 2 साल में से 1.5 साल मैंने कोई भी ऑफलाइन जैसे लिखित वाला मॉक टेस्ट नहीं दिया, लेकिन स्टार्टिंग का जो एंड का जो 3 महीना बचा उस समय ऑफलाइन वाले मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। मतलब मैंने करीबन 50 से 60 ऑफलाइन प्रिंटेबल मॉक टेस्ट अपना रूम बंद करके, पंखा बंद करके और नॉर्मल वाली कुर्सी में बैठ करके, सोफा वाली कुर्सी हटा करके, जैसा एग्जाम हॉल में रहेगा वैसा वाले कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश करी ऑफलाइन और पंखा वहां क्यों बंद करा? पर पंखा तो मतलब अवेलेबल कराते हैं यार एग्जाम में, ऐसा नहीं है। अरे आजकल सर भरोसा नहीं है, कभी कुछ हो सकता है इधर। पंखा बंद और करके बिल्कुल अपने आप को मतलब वो हाँ, फिर कठिनाइयों का मास्क सामना करते, लगाने की भी और कोशिश, ऐसा तो फिर नहीं कि मास्क कुर्सी के लगा नीचे के आग भाग भी पहन लगा के, ली, आग भाग भी लगा हाँ ली। हाँ अच्छा बिल्कुल मास्क लगा के पहन के देता था। और वेरी लेकिन गुड। फिर भी वो लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में हल्का सा अलग ही एक्सपीरियंस था, फिर भी अच्छा चेंजेस हुए इतना अच्छा कोशिश करने के क्या बाद जैसे भी। बताओ क्या हुआ था बताओ, एग्जाम हॉल में गए तो? एग्जाम हॉल में मैं गया तो मेरे को जो इन्विजिलेटर मिले थे वो बोल दिए कि क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखना नहीं है, मतलब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को टिक नहीं करना है, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन, अच्छा मतलब पता नहीं क्यों बोल दिए उससे। फिर भाई मैं मार्क करता था कि गोला मार दिए, सारे भी पता है गोला मार दो जो नहीं क्वेश्चन यही नहीं होता, बनता है। यही दिस इज हाउ यू डू इट, यस दिस इज हाउ यू डू इट। हाँ, लेकिन मेरे क्लास में आके बोल दिया कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया, फिर मैंने बोला कि नहीं मैंने एनटी के वेबसाइट को देखा है ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं मार देते। लेकिन अच्छा फिर बायो तो मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत ओएमआर करता था, इसलिए बायो मेरा हो गया, प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब तक केमिस्ट्री में पहुंचा तो टीचर से मेरा ध्यान हट गया था, तो मैं फिर भी लिखना चालू कर दिया तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, ओम ओम फ्रीज हो चुका है। ओम तुम्हारा शायद नेट डिसकनेक्ट हो गया है, तो उसको रिकनेक्ट करके आओ, है ना? चलो ठीक है, गौरी तुम पे चलते हैं, तुम बताओ भाई। मैंने क्लास 11th में जो भी टेस्ट दिए थे वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के, केमिस्ट्री के आप जो अलग टेस्ट लेते थे, बायो के अलग, तो 45-45 क्वेश्चंस उसके टेस्ट दिए हैं मैंने। हालांकि मैंने एक और टेस्ट सीरीज ली थी ऑनलाइन, बट 11th में मैं बहुत डरती थी मॉक टेस्ट देने से, तो ठीक है। 11th में मैंने बहुत कम मॉक टेस्ट दिए हैं और जो भी दिए हैं बहुत अच्छे नहीं दिए हैं। बट मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया था कि 11th है, एक बार चीजें पढ़ी हैं, दोबारा पढ़ूंगी तो और बेटर हो जाएगा, तो ठीक है। ऐसे 11th गया। फिर 12th में भी थोड़े मॉक टेस्ट देना मैंने चालू किया था, बट फिर फेब्रवरी से, एग्जाम से पहले फेब्रवरी से मैंने एक और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, जो उसके PDFs जब मिल जाते थे तो मैं उसको प्रिंट कर लेती थी और उसको OMR पे देती थी। तो ठीक है, पर अलग से कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी? नहीं, अच्छा अलग ठीक से है। नहीं थी, बट जो टेस्ट सीरीज थी उसको ऑफलाइन सेंटर पे दे सकते थे, बट अगेन मेरा वो डर मॉक टेस्ट का, तो मैंने कभी सेंटर पे जाके नहीं दिया, हमेशा उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके दिया है। तो ठीक है, और OMR के प्रिंट आउट निकलवा के रखे थे? हाँ, ठीक है, चलो वेरी OMR गुड। पे देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली। टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है उसमें और एक्यूरेसी भी आ जाती है, जैसे कभी कभी बबल गलत कर देती थी मैं, तो वो काफी सही किया मैंने। फिर जैसे ओम ने कहा, मैंने भी 50-60 मॉक टेस्ट दिए थे एग्जाम से पहले, फेब्रुअरी से ही स्टार्ट किया था डाउनलोड करके ना, और ओ मतलब OMR पे मार करके, है ना? OMR पे। वेरी गुड वेरी गुड। एक प्रॉब्लम ये आई थी मुझे एग्जाम सेंटर में कि जो मैं डाउनलोड करके प्रिंट करती थी वो A4 शीट पे बड़ा प्रिंट होता था, तो उसकी आदत हो गई थी, नीचे रफ वर्क की जगह होती थी, बट वहां जब मैंने पेपर देखा वो इतने साइज का हो गया था पेपर, और उसको देख के, और लाइक जब मॉक टेस्ट वाला पेपर होता था उसमें फिजिक्स का सेक्शन खत्म हुआ, फिर पेज चेंज हो गया, केमिस्ट्री का सेक्शन नेक्स्ट पेज से, तो मैंने बायो से स्टार्ट किया अपना पेपर, बायो वैसे ही भयानक थी तो उससे डर गई, ऊपर से अच्छा फिर इतना तुम्हारे बायो में छोटा कितने आए थे, आई कितने थे फाइनली? 340। चलो वेरी गुड, इतने अच्छे, हाँ अच्छे मार्क्स हैं, मतलब इतने डिफिकल्ट पेपर में 340 out of 360। यस आगे। तो मैंने टिक करना चालू किया, तो मैं कभी ऐसे नहीं टिक करती हूँ कि हमेशा फाइनल आंसर टिक किया, मैं एक टिक करती हूँ फिर उसको गलत करती हूँ, फिर उसको अगले पे क्रॉस लगाती हूँ, अगले पे क्रॉस लगाती हूँ, फिर लास्ट में टिक करती हूँ मैं एक आंसर नहीं को। समझा नहीं, क्या बोल रहे हो तुम, क्या करते हो?
मतलब मोस्टली एलिमिनेट करती हूँ आंसर को. अच्छा, ये हाँ हर सब्जेक्ट में? नहीं, जैसे फिजिक्स में एक आंसर निकल जाता है एंड में, बायो में खासकर इस पेपर में हर स्टेटमेंट को अच्छा रीड करना था, ठीक उस है पर टिक लगाया फिर पता चला वो गलत है, फिर उस पर ठीक है क्रॉस किया, ठीक तो है हर चीज को एलिमिनेट कर लिया. तो ठीक है। वो जो फॉन्ट इतना छोटा था और पेपर इतना छोटा था और गर्मी थी, हाथ में पसीना था, पसीने पे क्या वो वहाँ पे एमआरटी एसी? होता एसी है. नहीं थे वो, नहीं, पंखे भी नहीं थे? पंखे थे बट मेरी सीट विंडो के जस्ट बगल में थी और वहां पे बहुत धूप थी तो बहुत गर्म हो गया था एंड तक, ठीक है। और सब मेरे पास जो बॉटल थी सारा पानी खत्म हो चुका था. बहुत शिट। ही एंड में तो बहुत प्रेशर हो जाता है, बट ओएमआर भी काफी डिफरेंट टाइप का था. अब जो हमारे पास घर पे होता है प्रिंट आउट, वो एक A4 शीट पे प्रिंट आउट होता है, बट जो एग्जाम में आता है ओएमआर, उसमें थोड़े से डिटैचेबल पार्ट्स होते हैं, फिंगरप्रिंट की जगह होती है, तो बिल्कुल। उस सब को देख के मैं थोड़ा पैनिक हुई थी, बट वही है, एग्जाम में यू हैव टू कीप योर कूल. तो वो एक पेपर का साइज छोटा हो जाना मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो गई थी. ठीक है ठीक है। एक बार जैसे जो मेरा पेपर होता था उसमें एक तरफ इंग्लिश में लिखा होता था, दूसरी तरफ हिंदी होता था, तो उसको मुझे दूसरा पार्ट नहीं देखना है हिंदी वाला, बस इंग्लिश सॉल्व करके अगले पेज पे चले जाना है. लेकिन नीट में एक साइड पे इंग्लिश है, फिर दूसरी साइड पे और क्वेश्चंस हैं इंग्लिश में. एक बार मैंने केमिस्ट्री का एक पोर्शन किया और पलट दिया पन्ना, ठीक है, वो क्योंकि वैसा चार करती है। क्वेश्चंस छूट गए. ठीक है। फिर जब मैं ओएमआर भरने आई थी तो पता चला रही चार छोड़ दिए, पर वो इजी थे, जल्दी हो गए, चलो उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई. तो चलो, अच्छी बात है, ये बढ़िया। कुछ चीजें हो जाती हैं जो चेंज हो जाती है एग्जाम में. ठीक है, अच्छी बात है। यू कुड कीप योर कूल, है ना, घबराना नहीं होता, यही ऑलवेज बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। सरप्राइजेस मान के चलो आने वाले हैं, एक्सपेक्ट देम। बस ये सोच के जाओ एग्जाम हॉल में कि इस बार क्या ऐसा होने वाला है जो मैंने अभी तक नहीं सोचा। ये मान के चलो सरप्राइजेस तो मिलने वाले हैं। मतलब उनको एक्सपेक्ट करो कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है नया, है ना। चलो बहुत अच्छे थे। ओम, तुमने कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी या फिर डाउनलोड वही ऑनलाइन पेपर को प्रिंट निकाल के करते थे सॉल्व ओएमआर पे? नहीं, स्पेसिफिकली कोई ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन ठीक है, फिर से चलो। ओम फिर से अटक चुका है। चलो ठीक है भाई, संदीप तुम पे आते हैं। ज्वाइन भी कर ले, मतलब अवेलेबल. अच्छा ओम, तुम्हारा नेट जा रहा है एक बार, तुम्हें अभी हाँ, अभी अभी सही है? कॉल आ गया. अच्छा हाँ, ठीक है, तो अभी सही है, फिर से ऑफलाइन बोलो। टेस्ट सीरीज, हाँ हाँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मैंने कोई भी ज्वाइन नहीं करी थी किसी भी कोचिंग की, लेकिन जो भी कोचिंगें होती हैं जिसकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज फेमस होती है, वो टेलीग्राम वगैरह पे मतलब किसी भी तरीके से डाउनलोड कर करके मैंने उसे प्रिंट पूरे करके पैसे बचाए, फुल पैसे बचाए, दिया. फुल पैसे बचाए। हाँ, उसका और तुमने मेरे प्रिंट आउट सिस्टम निकलवा में लिया। इतना अच्छा एबिलिटी भी नहीं कि मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ, मतलब अच्छा ऐसा नहीं था कि बगल में जा करके एग्जाम हॉल है, फिर दूसरे जगह जाना पड़ेगा, ट्रेन से वहां देना पड़ेगा, तो अच्छा उतना इतना एक दूर पेपर के तक? लिए कौन सही टाइम बात है, कर सही पाए. बात है, सही बात है। उसमें नुकसान ज़्यादा हो जाता। चलो सही है, वेरी गुड। हाँ, छोटे संदीप, जगह पर रहने का यही. संदीप तुमने प्रिंट मैंने करी ज्वाइन करी थी सर. करी थी? चलो अच्छे, बताओ भाई कैसा, क्या एक्सपीरियंस था, क्या करा था? तो सर वही सर, मैंने मतलब वही अच्छी टेस्ट सीरीज जो स्टैंडर्ड रहती है, मतलब ऑफलाइन में जो भी एलन और आकाश के रहते हैं, तो ऑफलाइन पेपर तुमने होते दो थे टेस्ट सीरीज सेंड. ज्वाइन कर रखी थी? क्या सर? दो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी तुमने? हाँ सर, दो टेस्ट सीरीज, एक मैं ऑनलाइन देता था, आकाश के ऑनलाइन देता था कभी कभार, मतलब स्टार्टिंग के हो रहे थे, फिर अगर अलग अलग होते थे तो मैं ऑफलाइन देके ही आता था, बट जब क्लैश कर जाता था, एक ही टाइम होता था सर, तो एक बात टेस्ट को फिर बाद में देना पड़ता था ठीक आके ठीक वापस. ठीक है। बट एक चीज मुझे ये लगती है कि मतलब वो थोड़ा सा प्रोन हो जाता था, हैबिट में आ जाता था कि अब इतने क्वेश्चन है, ये है, मतलब एक कंटिन्यूटी बन जाती है ऑफलाइन से. बट ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में क्या कर रहा था कि घर पे ही बैठ के कोशिश करता था कि मैं भी पेपर, मतलब है मेरे पास अगर डिजिटल फॉर्मेट में, या फिर उसे प्रिंट करवा भी लिया, तो वो एक तरीके का माइंड प्रेशर नहीं बन पाता था, एग्जाम एनवायरनमेंट बोलो या उसे एक तरीके से, वो मुझे फील नहीं हो पाता, मतलब कि मैं प्रेशर फील कर रहा हूँ मतलब पेपर में. ठीक है, अच्छी ऐसा बात। लगता था कि टाइम को मैं कर तो तुम्हें वो लेता था कि एनवायरनमेंट चाहिए था, टाइम, वो एनवायरनमेंट तुम्हें चाहिए था, है ना, एग्जैक्टली, हाँ मतलब कि सब आसपास बाजू सर में। बच्चे बैठे हों पेपर दे ठीक रहे हो, है मतलब एक तरीके से वो वाला फील ठीक थोड़ा है सा, ठीक है और एक्यूरेसी उससे काफी इम्प्रूव होती है, मिस्टेक्स होती हैं तो हम ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं, और सबसे ज्यादा ठीक था है कि पेपर एनालिसिस मार्क्स ठीक देने है के बाद, ठीक है ठीक वो है, बहुत बेनिफिट वेरी गुड, है ना। अश्विनी, तुमने ज्वाइन करी थी क्या कोई एंड में भाई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, की भाई ऑफलाइन जाके देना है क्योंकि नीट का एग्जाम फाइनली ऑफलाइन होने वाला है? था. नो सर, मैंने नहीं किया था सर. तुमने? मैंने मतलब मैं नीट 2022 से पहले, 1 महीना पहले से टेलीग्राम से पेपर डाउनलोड करके पेपर दिए थे, बट तो उनको प्रिंट आउट सर निकलवा लिया मैंने कि मतलब तुमने वही मोबाइल या लैपटॉप पे दे दे?
सर मतलब पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी पेपर में, एंड फिर एक रफ पेज पर उसको सॉल्व कर जाता, एंड ओमर साथ में मतलब ऐसे टिक कर लेता था कि एक नंबर दो नंबर, मतलब अपना पहले क्वेश्चन ओएमआर कहाँ पास से प्रिंट आउट नहीं निकलवाए थे? नहीं निकले निकलवाए थे सर, अच्छा, मतलब ऐसे एक पेज ओएमआर तुम्हारे पास थी, ओएमआर के प्रिंट आउट से तुम्हारे पास? ठीक मेरे है पास थी, ठीक है। मैंने मतलब एक से लेकर 200 तक ऐसे लिख लिया था, फिर उसमें कि पहले में चौथा ऑप्शन है, दूसरे में तीसरा है, ऐसे लिख लिया, देन फिर ओमार भी बढ़ता था, ये सब 3 घंटे के अंदर ही कर लेता था सर। ठीक है वेरी गुड वेरी गुड, है ना? एंड ठीक सर मेरा ओमार का एक्सपीरियंस तो पहले से ऑलरेडी था, मैंने 11th में जब मैं अच्छा, पढ़ता था अपनी लोकल कोचिंग में तो वहाँ वहाँ पे तुमने ऑफलाइन दे रखे थे टेस्ट, है ना? ठीक पे दे रखे थे, तो एक्सपीरियंस था मेरे को ऑलरेडी। ठीक है, चलो वेरी गुड, है ना? तो भाई तुमने देख लिया, भाई यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 टॉपर हैं, चारों के फिजिक्स में 180 में से 180 हैं, और हर एक इंसान ने भाई अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो करी है। तो ज़रूरी नहीं है जो एक कर रहा है वही तुम्हें करने की ज़रूरत है, यू हैव टू फिगर आउट वॉट वर्क फॉर यू। और रही बात जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको ऑफलाइन टेस्ट देने चाहिए नहीं देने चाहिए, तो देखो पहले यहाँ पे दो चीज़ समझो ना, तो मैं प्रिंट आउट निकलवा के ओएमआर पे ऑफलाइन टेस्ट देने हैं वो तो करनी करना है, चाहे तुम पेपर को प्रिंट आउट निकलवाओ या फिर तुम डिजिटल फॉर्मेट रखो, इट डजन मैटर, पर तुम्हें ओएमआर पे तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, और एटलीस्ट मिनिमम 20 से 30 टेस्ट तो करने हैं, और इन बच्चों ने 50 से 60 करो ये तो करना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब तुम्हें प्रॉपर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है किसी कोचिंग की, मतलब तुम ऑफलाइन सेंटर पे जाके दे रहे हो नहीं दे रहे वो तुम्हारी चॉइस है ना। तो यहाँ पे 3 बच्चे हैं जिन्होंने नहीं करी थी, एक बच्चा है जिसने करी थी ना, तो इट इज़ योर चॉइस। पर ऑफलाइन समझो ना, प्रिंट आउट निकलवा के देना है इट इज़ नॉट ऑप्शन, इट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम वैसा है तो वो तुम्हें करना ही करना है। ठीक है चलो।